हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ तंदूरी पनीर टिक्का, बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाला, और वो भी तंदूर के फ्लेवर के साथ। आप गैस पे इसे आसानी से बना सकते हैं घर पे। आज मैं आपको बताऊंगी पूरे टिप्स और ट्रिक्स कि आप बिल्कुल मार्केट स्टाइल पनीर टिक्का घर में आसानी से कैसे बना सकते हैं, वो भी तंदूर के फ्लेवर के साथ। तो रेसिपी को पूरा अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेलकम टू रुचिकास गुड फूड। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में आधा कप के आसपास हंकड़ या गाढ़ा दही, एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर और दो छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, और दो बड़े चम्मच मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ, नहीं तो आप नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी, और दो से तीन बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने रोस्टेड बेसन लिया है, बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लिया था वो ऐड करेंगे। आधा नींबू का जूस ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है, और ये बहुत ज़रूरी है, इसे स्किप मत कीजिएगा। सभी चीज़ों को हम यहाँ पे विस्क की या सहायता से या फिर स्पून की सहायता से अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमारा कोटिंग के लिए मसाला रेडी है। अब हम इसमें एक कप कैप्सिकम के क्यूब्स, एक कप टमाटर के क्यूब्स जिसके मैंने बीज निकाल दिए थे, और एक कप ऑनियन के क्यूब्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 400 से 500 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने अच्छे से क्यूब्स में काट लिया है। सभी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि पनीर के पीसेस टूटे नहीं, इसलिए हमें इसे बहुत जेंटली मिक्स करना है। आप बहुत आराम आराम से ही मिक्स कीजिएगा। इसको अब हम साइड पे रखते हैं। अब इसे मार्केट वाला तंदूरी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे चारकोल का एक टुकड़ा लिया है, उसको गैस पे गर्म करा है। इसको मैं अच्छे से गर्म कर रही हूँ। इसे एक कटोरी में रख के ये कटोरी को मैं यहाँ पे बाउल के अंदर रख दूंगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसमें घी ऐड करूँगी। घी को आपको गर्म नहीं करना है, और लिड लगा के इसे अच्छे से हम बंद कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए, लग रहा है ना, बिल्कुल स्मोकी, सारा फ्लेवर इसमें पनीर टिक्के के बैटर में आ चुका है। इसको हम निकाल देंगे, और एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक स्क्यूअर ले रही हूँ, आप चाहें तो मेटल वाला भी ले सकते हैं, मैंने वुड वाला लिया है। इसमें अब हम सबसे पहले कैप्सिकम डालेंगे, फिर मैं यहाँ पे अनियन डालूंगी। इसी तरह सीक्वेंस में मैं इसमें वन बाय वन करके सारी चीज़ें ऐड करूँगी। सीक्वेंस को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है, आप जैसे चाहें इसको अरेंज कर सकते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक स्क्यूअर बिल्कुल रेडी कर लिया है। इसी तरह हम बाकी के सारे स्क्यूअर्स रेडी करके रख लेंगे। तो चलिए फिर अब इन्हें हम ग्रिल करते हैं। मैंने यहाँ पे एक ग्रिल पैन ले रखा है, अगर आपके पास नॉर्मल पैन है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें हम ऑयल डाल के इसे गर्म करेंगे, और ऑयल को हम ब्रश की सहायता से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसमें स्क्यूअर्स रखेंगे। मैं यहाँ पे अभी दो ही स्क्यूअर्स रख रही हूँ, आप अपने पैन के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ब्रश की सहायता से हल्का सा ऑयल लगाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ मत कीजिएगा। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसका साइड चेंज कर देंगे। पनीर टिक्का के ऊपर तंदूर वाले निशान देने के लिए इसको अब हम गैस के ऊपर रोस्ट करेंगे। गैस के ऊपर रोस्ट करने से इसका फ्लेवर बिल्कुल ही तंदूर वाला आता है। लीजिए फ्रेंड्स, पनीर टिक्का रेडी हो गया हमारा तंदूर वाला, वो भी घर पे आसानी से गैस पे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत डबल हो जाता है, और बिल्कुल मार्केट वाला फ्लेवर आता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ब्रश की सहायता से मेल्टेड बटर लगा रही हूँ, जिससे इसका खाने में बहुत मजा आता है। देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना, बिल्कुल तंदूर में बना हुआ। कोई भी नहीं कह सकता कि आपने इसे घर पे गैस पे बनाया है इतनी आसानी से। आप इसे किसी भी पार्टी में बना सकते हैं, या फिर किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही घर में खाने के लिए बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।